जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराए का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती, जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की गयी। 9 मेंबरान में से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। जराए का मजीद कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी सिफारिश की गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां की सिफारिश 3-6 के तनासुब से की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आई आफरीदी ने भी जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। जराए का कहना है की एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला जजेस तकरूरी बराए पार्लियामानी कमेटी के बजाय बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से दोबारा राय ली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।